डॉक्टर आप जल्दी से घर आ जाइए, माँ को चोट लगी है। थैंक यू। तो चुटकी पंखे की मौत की कीमत तुम क्या जानो गौरी मैडम। मुझे डरा रही हो? मैं तो तेरी सासू माँ को मारना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी कुंडली में ना लिखा के लाई कि एक मौत को पलट देगी, तो पलट दिया। इस मौली से अपने परिवार को बचाना चाह रही। तुझे लगता है कि तू मुझे छुएगी और मैं जल के भस्म हो जाऊंगी? तुझे लग रहा है कि तू ऐसी एक बेजान चीज से अपने पूरे परिवार की रक्षा कर सकती है, बचा सकती है ना? लेकिन सोच के देख, ऐसी कोई बेजान चीज मैं भी तो यूज कर सकती हूँ और सबको मार सकती हूँ। ये तेरी सासू माँ उमा, इसका तो आज धुआं उड़ते उड़ते रह गया। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? मैं राज नहीं हूं। आज उस राज की मां मर जाती क्योंकि तू राज के साथ। समझी? ये जो तुझे उसके साथ इस चीज का ये जो ड्रामा करना था ना वो, क्योंकि अगर तू राज के पास भी गई, करीब जाने की कोशिश भी की, तो तेरे पूरे परिवार का जनाजा पूरी बारात एक साथ ही निकालूंगी। मैं ढोल बजाऊंगी और तू नाचेगी रखते नाते नाते। समझी? क्या हुआ भाभी, डॉक्टर से बात हुई क्या? हाँ बात हुई है, डॉक्टर को फोन तो लगाया था। गौरी लगा ना फोन, देख ना कहाँ पहुंचे यार, सीरियस है वो। कम ऑन, चलो जाके डॉक्टर को देखते हैं कि वो आए कि नहीं, क्योंकि उनके करीब आते ही तो हम उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे ना। हम जाके देखते हैं डॉक्टर कहीं आना गया हो। एक नहीं हो सकते, मैं रोकूंगा, नहीं होने दूंगा। आज तो वो एक नहीं हुए, पर अगर हो गए तो मेरे वर्षों की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा करना होगा, वो दोनों कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और ये काम सिर्फ तू कर सकती है, क्योंकि दिन के दिल तोड़ने हैं, इनका घर तोड़ना है, उस घर में तू रहती है। जब तक मैं अपने खेल की दूसरी चाल ना चलूं, तब तक उन दोनों को दूर रखना तेरा काम है। तुम क्यों अपना खून जला रहे हो कालासुर? जो खेल तुमने खेला है उसके बाद तू वैसे भी गौरी को अपने मर्जी से ही तुम्हारे पास आना होगा। वो तो उसे आना ही होगा, और आने के लिए रास्ते तो मुझे बनाने हैं। ये तो मेरे खेल का पहला पड़ाव है, जाने अभी और कितने पड़ाव पार करने हैं। तू जानती है ना तुझे क्या करना है? तुझे गौरी को मेरे पास लाना होगा, लेकिन उसे लाने के लिए मुझे वहां उसे एकदम अकेला रखना है। इस कदर की गौरी हार मारकर मेरे पास खुद चली जाए। पंद्रह दिन के बाद अमावस की रात को मेरी शक्तियां गौरी को यहां लाकर रहेंगी। आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं तेरे पास।
ये काले नकाब में कौन है? ये कहां से आई? क्या कर रही है हमारे घर में? कालासुर ने तो नहीं भेजा, पर ये घर के अंदर आई कैसे? पहले पता लगाती हूँ ये कौन है। ये भी ना, कहा था सतर्क रहना, पर नहीं, घूम रही है रात दहाड़े। आज अगर गौरी इसे पकड़ लेगी तो कालासुर की मददगार का पर्दाफाश हो जाएगा, कालासुर का एक हाथ कट जाएगा। खत्म कर दूंगी, इसकी लाश उठेगी यहाँ से। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम मुझे आजमाना चाहती है रियली? मैं सबको बचाना चाहती हूँ और मैं बचाऊंगी। तो जा, जाके बचाओ। पता है गौरी, हो सकता है कि इस वक्त जहाँ पे अनन्या है ना, वहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही हैवी कवर्ड उस पे गिरने वाला हो। हो सकता है झूल रहा हो, बस अभी कभी भी गिरने वाला हो, और अगर गिर गया तो उसकी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। हे बेचारी, जा उसे बचा ले यार। अभी तो बहुत इमोशनल है यार, तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना तो बड़ा ही आसान है। अनन्या, अनन्या, आज तो मैं उस नकाबपोश औरत को पकड़ ही लेती, लेकिन करुणा दी ने उसे बचाने के लिए अनन्या के नाम पर मुझे झूठ बोला। लेकिन वो औरत थी कौन? अगर वो इस घर में आ गई है तो कोई ना कोई वजह होगी, पता लगाना होगा। मैं ठीक हो गई हूँ, देखिए। आप जाइए काम पे जाइए। मुझे काम दाम नहीं करना, मैं तुमको इस कंडीशन में नहीं छोड़ के जाऊंगा। काम दाम होता रहेगा, बाद में हो जाएगा काम। ध्यान रखती हूँ तुम अपना, खाली दिन भर काम करती रहती। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों का नाश्ता। मम्मी जी, आप पहले से काफी बेटर लग रही है। मुझे अभी नहीं आना चाहिए था। अरे बैठिए ना, आप दोनों साथ में नाश्ता कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अजय, क्या बात है, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? गौरी, टेंस में कल रात से हूँ। कल रात से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मौका अब मिल रहा मुझे। क्या बात है? गौरी, कल रात को मैंने किसी औरत को काले कपड़ों में देखा, मामा आंटी के कमरे के बगल में। एक्चुअली मैं कल रात को अपने जब बिजनेस मेल चेक कर रहा था तो मुझे उमा आंटी के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई थी। अब उनका कमरा मेरे कमरे के बगल में था तो मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो देखा कि जब मैंने उमा आंटी को उस पंखे से बचाया तब मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन शक्ल नहीं देख पाया उसकी मैं। करुणा थी ने तो काले कपड़े नहीं पहने थे कल। क्या कहा तुमने? नो, इट्स फाइन। नहीं, मैंने सुना कि तुमने करुणा का नाम लिया, और कल मैंने ये भी सुना कि करुणा तुम्हें किसी बात की धमकी दे रही थी। आई एम रियली सॉरी, आई नो कि ये छुपकर ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए मुझे, इट्स अ बैड हैबिट, बट मैं तुम्हें उस औरत के बारे में बताने आया था, और जब मैंने सुना कि करुणा तुम्हें किसी बात की धमकी दे रही है, I mean everything is so strange for me. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजय, मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब हो रहा है, पर ये घर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। I think करुणा तुम्हारी real sister है, right? Yes. बहुत लंबी कहानी है, छोड़ो। जो भी है गौरी,
कल रात तुम्हें धमकी देने के बाद मैंने करुणा को दोबारा देखा था। वो उस काले कपड़े वाली औरत से बात कर रही थी। इनफैक्ट मैं उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं देख पाया। तुमने उसे कहां देखा? ठीक वहां। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया लेकिन लेकिन उनकी बात जरूर सुनी मैंने। वो कह रही थी कि वो किसी ऐसे काम को अंजाम देने वाले जिसके बाद तुम खुद किसी, क्या नाम लिया था उसने, तांत्रिक। एग्जैक्टली, तांत्रिक। वो कह रही थी कि तांत्रिक कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद तुम खुद उस तांत्रिक के पास चली जाओगी। इनफैक्ट वो उस मीरगढ़ वाली हवेली पे जाने की बात कर रहे थे जो मैंने रिसेंटली परचेज की है। गौरी, आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। अगर करुणा दी को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मुझे सुमेरगढ़ की हवेली जाना होगा। लेकिन गौरी, उस सुमेरगढ़ की हवेली से क्या कनेक्शन इन सब का? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल मुझे हवेली जाना होगा। वो लोग आज जो कुछ भी करने वाले हैं उसे रोकना होगा। गौरी, तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ चलूंगा मैं। नहीं, वो माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है चेकअप करवाने के लिए। चलो, मैं किसी और को बोलती हूँ, आपको राम नामगढ़ दिखा देगा। हाँ, अदिति से जल्दी से धर्म का नंबर मांगो और उसे कहो कि सुमेरगढ़ पहुंचे। अब मैं भी वहीं पहुंचती हूँ। ठीक है। तो धर्म, राज और उसकी फैमिली के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अरे जो कुछ भी हो रहा है ये उसका वो ब्लैक नकाबपोश का किया कराया। हमें पता लगाना होगा ये क्यों हो रहा है और उसके लिए हमें सुमेरगढ़ जाना होगा क्योंकि इसका राज वहीं है। गौरी कहाँ है? गौरी अभी राज के साथ उमा आंटी को डॉक्टर के पास लेकर गई है। और हाँ, जाते वक्त उसने जो मुझे इशारा किया था उससे मुझे ऐसा लगा कि वो वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर के पास पहुंचता हूँ ताकि वो वहां से जैसे ही निकले मैं उसे सुमेरगढ़ लेकर निकल पड़ूं। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास। वहां से मैं गौरी को सुमेरगढ़ लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां के सारे रास्ते मालूम है। ये काम मैं ही करूंगा। एग्जैक्टली, गौरी ने भी मुझे यही कहा था कि तुम सुमेरगढ़ और उस तांत्रिक के बारे में ज्यादा जानते हो। तुम सुमेरगढ़ पहुंचो क्योंकि तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर गौरी को मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम वही रहोगे। मैं तो सिर्फ गौरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा सुमेरगढ़ वाली मार्केट में। जल्दी आना। परफेक्ट, आई मेक श्योर कि मैं गौरी को वहां लेकर पहुंचा। मैं गाड़ी लगा के आता हूँ, डॉक्टर दिलदार होंगे अंदर, उनसे मिल लीजिए। हाँ, मैं भी आता हूँ। माँ, आपने उस औरत का चेहरा देखा था जिसने आप पर पंखा गिराया था? नहीं गौरी, मैं तो नींद में थी पर मुझे लगता है ये करुणा का काम है। नहीं माँ, करुणा दी तो थी पर उसके साथ कोई और भी था जिसे जिसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मुझे वहाँ जाना होगा। माँ, वो लोग एक बहुत बड़े हादसे की प्लानिंग कर रहे, मुझे रोकना होगा। लेकिन बेटा, माँ एक आप ही है जो मुझे किसी बहाने वहाँ भेज सकती है। लेकिन बेटा, मैं मेरा जाना बहुत जरूरी है। माँ, मैं कुछ करती हूँ। चलो। अरे गौरी, मेरा वो प्रिस्क्रिप्शन, वो मेरे डेली सप्लीमेंट्स का वो प्रिस्क्रिप्शन जो था वो लेके आई हो ना? माँ, वो तो मैं घर पे ही भूल गई। घर पे भूल गई? वो तो जरूरी था ना डॉक्टर को दिखाने के लिए चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ये वैसे भी टेंशन में रहती है। गौरी जा बेटा, तू लेके आ, मेरे कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है? ठीक है। नहीं नहीं माँ, गौरी को मत भेजिए, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। रुक जाइए, तुम मेरे साथ। अच्छा, जी अभी तक आई नहीं, यही मार्केट में मिलने की बात हुई थी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अजय ने कहा था डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बहुत देर लगा दिया अजय ने आने में। नरेश, चल। अजय, तू
ये क्या? गौरी को सुमेरगढ़ नहीं जाना चाहिए। मुझे कुछ भी करके गौरी को रोकना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।